लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बारिश के कारण आज बंद रहेगा यह रेल मार्ग नागदा। दो दिनों से जारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। बारिश राहत के साथ परेशानी लेकर आई, वो भी इस कदर की रेलवे स्टेशन थम गया है। बुधवार को दिल्ली मुंबई रेल रूट की एक दर्जन ट्रेनें निरस्त रही, जिसका असर यह हुआ कि यात्रियों को बसों का सहारा लेना पड़ा। दूसरी ओर रेल यात्रियों की परेशानी गुरुवार को भी समाप्त नहीं होगी, दो ट्रेनें गुरुवार को भी निरस्त रहेगी। दरअसल बीते दो दिनों से जारी बारिश ने जहां किसानों को अच्छे उत्पादन के संकेत दिए हैं, वहीं शहर के रेल यातायात को पूरी तरह ठप कर दिया है। बारिश से चंबल नदी स्थित नायन डैम का जल स्तर एकाएक बढ़ा है, जिससे उद्योग की मशीनें शट डाउन होने का संकट टल गया है। बता दें कि मानसून सिस्टम व चंबल स्थित डैमों का जल स्तर देखकर उद्योग में प्रोडक्शन बंद व चालू रखने का निर्णय लिया जाता है। लेट पहुंचा मजबूत मानसून बावजूद बढ़ा जल स्तर, मानसून निर्धारित समय से करीब 15 दिन देरी से पहुंचा है। देरी से पहुंचने के बाद भी चंबल नदी स्थित नायन डैम का जल स्तर एकाएक तेजी से बढ़ा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शहर में अब तक 10.5 इंच बारिश दर्ज हुई है, जिसे किसानों के लिए बेहद लाभदायक बताया जा रहा है। कृषि विभाग खाचरौड के अनुसार विकास खंड नागदा खाचरौड में बुवाई चरम पर है, वहीं जिन क्षेत्रों में बुवाई कार्य पूर्ण चुका है उन्हें सिंचाई नहीं करना होगा। बता दें कि वर्तमान में हो रही रिमझिम बारिश सोयाबीन फसलों के लिए अमृत साबित होगी। 12 व 13 को यह ट्रेनें रहेगी निरस्त। इंदौर रेल मंडल PRO के अनुसार 12 व 13 जुलाई को फिरोजपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 19024 फिरोजपुर मुंबई सेंट्रल जनता एक्सप्रेस, देहरादून से चलने वाली गाड़ी संख्या 19020 देहरादून बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होगा। बुधवार को गाड़ी संख्या 12954 हरजत निजामुद्दीन मुंबई सेंट्रल अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस, नई दिल्ली से चलने वाली नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनल देहरादून एक्सप्रेस, इंदौर से चलने वाली इंदौर मुंबई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस का परिचालन बंद रहा।